हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरुहेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जो एक यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं फ्री में, और उसके ऊपर जो वो अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और उसके जरिए जो वो पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बताऊंगा। और बहुत से लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए, और उसके ऊपर आप जैसे कि सोचते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको लगा के कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों की जो वो हेल्प करूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरीके से मैं आपकी जो हेल्प करूंगा, डेली आपको यूजफुल वीडियोस देता रहूंगा, और आपके हेल्प की वजह से मेरे चैनल की ग्रोथ भी होगी और आपकी भी जो हेल्प होती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है वो चार चीज की रिक्वायरमेंट्स होगी। ये चारों भी चीज जो है वो फ्री है। पहला जो जीमेल अकाउंट है, उसके बाद आपका फोन नंबर है, तीसरा जो बैंक अकाउंट है, और चौथा जो आपके वीडियो से। और जीमेल अकाउंट के बारे में बता देता हूँ कि जीमेल अकाउंट आज की तारीख में सबके पास होता है। और जीमेल अकाउंट आप जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो प्ले स्टोर में भी आपका जीमेल अकाउंट जो वगैरह चलता है। तो जीमेल अकाउंट आप जानते होंगे, सिंपल है, सबके पास होता है, फ्री में बनता है। तो आपको इस तरीके से जीमेल अकाउंट एक बनाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप YouTube ओपन करते हैं तो पहला चीज जो आपको राइट के अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो साइन इन का टैब है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपका जीमेल अकाउंट है आपको उससे जो है वो लॉग इन करना है। तो यहाँ पे मैं इस अकाउंट से जो लॉग इन कर लेता हूँ, एक सैंपल अकाउंट है, और पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं साइन इन कर देता हूँ। तो जिस तरीके से मैं इसको साइन इन करूंगा तो मेरे पास जो अब यूट्यूब एक नया मतलब एक पेज खोल देगा, और राइट में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ अब जो साइन इन का टैब हट गया है और ये जो अब मेरा अकाउंट बन गया है। तो ये वही अकाउंट है जो अकाउंट मेरा जीमेल का था, उसी अकाउंट से यूट्यूब के अंदर मैंने जो लॉग इन कर दिया हूँ। तो पहला स्टेप जो हमारा था जीमेल अकाउंट बना के यूट्यूब में साइन इन करना, तो वो पहला स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है वो ये जो मेनू है राइट के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर के अंदर जो एक फेस बना हुआ छोटा, आपको उसके ऊपर जो क्लिक करना है इस तरीके से, और एक छोटा सा मेनू खुलेगा, वहां पे आपको जो है वो क्रिएटर स्टूडियो में क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ये आपका एक जो पेज है इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, यानी कि एक मेन्यू पेज है, आपको जो ये जिसका अकाउंट है उसको इस तरीके से दिखाएगा। तो ये पार्ट जो यहाँ पे आपके वीडियोस दिखाएंगे, जितने सारे वीडियोस अपलोड है, ये जो है यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स बताएगा, कितने व्यूज आए, ऊपर की तरफ आपको बताएगा सब्सक्राइबर्स आपके कितने हैं, यहाँ पे आपका चैनल का नाम है, और सारी डिटेल जो यहाँ पे दे देता है। और लेफ्ट में ये जो पेन्स है, ये सब जो विंडो के जो छोटे छोटे पेन है, ये हमारा फीचर्स है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जाना है चैनल्स में। जैसे आप चैनल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं राइट में आपको ये पेज खुल के देगा छोटा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी स्टैंडिंग दिखा रहा है, चैनल की स्टैंडिंग कैसी है, गुड स्टैंडिंग है, कॉपीराइट भी हमारा सही है, यानी कि कोई भी चीज हमने अभी यहाँ पे गलत नहीं किया, कोई भी चीज हमारी सस्पेंड नहीं है, क्योंकि पहला अकाउंट है तो पहली बार ऐसे ही बताएगा। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं वेरीफाई, आपको यूट्यूब चालू करना है तो उसके पहले आपको जो है वो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एक नया पेज ओपन करके देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बोलेगा अपनी कंट्री को सिलेक्ट करिएगा, तो आप जो अपनी कंट्री को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिएगा। उसके बाद आपको बोलेगा नीचे का आपको किस तरीके से जो उसका टेक्स्ट यानी कि या कॉल चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, वो सिंपल कोड भेजेगा आपको, उसको यहाँ पे आपको आपके नंबर डालना है और उसको जो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो पहले अपना नंबर डालना है, तो इस तरीके से मैं अपना जो है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो आपका एक वैलिड यानी कि आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो इसी के ऊपर आपको ऐड करके डालना है, ताकि हमेशा से आपका जो नंबर हो यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। फिर आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा राइट में, आप देख सकते हैं इस तरीके से गूगल वेरिफिकेशन कोड बताएगा। तो ये जो कोड आएगा हमें वो यहाँ पे डालना है नेक्स्ट करने के बाद। तो इस बॉक्स के अंदर अभी मैं ये कोड डाल दूंगा 785846। तो ये सबका जो कोड होता है ये सबका यूनिक कोड होता है, यानी कि सबका कोड जो सेम नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ये कोड डाल देता हूँ, उसके बाद जैसे ही कोड हम डाल देते हैं हमें जो है सबमिट करके आगे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पे लिखता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। तो अब हम फिलहाल के लिए जो वेरीफाइड होगा, यानी कि यूट्यूब पे हम अभी वीडियोस डाल के यूट्यूब ने हमें वेरीफाइड कर दिया कि हाँ भाई तुम हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और हमारा यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल सकते हो। जी हाँ, अब आपको मैं दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बताता हूँ। ये देख सकते हो मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पे आपको अपने एडवर्टाइजमेंट वीडियोस पे लाना है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप। तो पहले चीज आपको करना है चूज योर कंट्री लोकेशन। तो मोनेटाइजेशन पे जाना है, आपकी कंट्री को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए कंट्री जो बाय डिफॉल्ट अफगानिस्तान है, तो हमें नीचे आना है, हमारी कंट्री को इंडिया सेलेक्ट करना है और एकदम नीचे की तरफ आना है और उसको जो है वो सेव करना है। तो जैसे ही हम सेव करते हैं
तो हमारा जो मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट हमारे वीडियोस पे दिखती है उसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं, वो जो है वो इनेबल्ड हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिर से हम जाते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ और हमारे चैनल्स की तरफ हम फिर से जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ मोनेटाइजेशन अब जो वो इनेबल करने का ऑप्शन दे दिया, यानी कि आप हम जो है वो यानी कि इसके काबिल हो गए कि ताकि हम जो अपनी वीडियोस को इस पे जो अपलोड करके एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा है आपको पहला जो वो अपना गूगल एडसेंस को इनेबल करना पड़ेगा इसको जो वो चलाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले आप जैसे कि इनेबल में अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा विंडो देगा जहाँ पे आप कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपके चैनल पे कम से कम एक या दो वीडियोस तो होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वीडियो सैंपल अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से आते हैं और इनेबल में अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं फिर से आया हूँ और अब जो मैं इसके ऊपर जो एक वीडियो अपलोड करते हैं सैंपल वीडियो, और फिर से जो मैं इनेबल पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और आप देखिए कि फिर से मैं यहाँ पे इनेबल में अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब जो है वो मेरे सामने विंडो सामने ओपन होके आ जाएगा। उसका मतलब ये कि मेरे चैनल पर उन्होंने एक वीडियो वेरीफाई कर दिया है, अब जो मुझे वो यहाँ पे आगे बढ़ने की परमिशन दे देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे इनेबल यहाँ पे वीडियो पे हमारे अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक विंडो ओपन होके आ गया इस तरीके से। यहाँ पे आपको सारे एग्रीमेंट जो यूट्यूब की तरफ से मिलता है उसको जो है आपको टिक करना है, और जैसे आप टिक कर लेंगे तो नीचे की तरफ आपको आई एक्सेप्ट करना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट कर लेगा तो अब ये पूछेगा किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आप अपने वीडियोस पे दिखाना चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए वो हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं। इस तरीके से राइट में नीचे का ऑप्शन है मोनेटाइज, तो ये मैंने जो मोनेटाइज क्लिक कर दी। तो जी हाँ, अब क्या हो गया कि मेरे चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस होंगे उसके ऊपर आप जो वो एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, तो अब जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसके जरिए जो मैं पैसे कमा बिल्कुल भी सकता हूँ। लेकिन अब आपको जब पैसे कमाना है तो अकाउंट के लिए आपको सेट करना पड़ेगा ताकि वो पैसे आपके अकाउंट में सेट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने मोनेटाइज किया तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है लिंक माई अकाउंट करो गूगल एडसेंस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ गूगल एडसेंस पे और यहाँ से जो मैं अपने अकाउंट को जो है वो वेरीफाई कर लूंगा। तो इस लिंक पे मैंने क्लिक किया और एक मेरे सामने एक नया पेज खुलता है गूगल एडसेंस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर आपको ये सारे ऑप्शंस देता है, आपको साइन इन करने बोलेगा, आपको उसी अकाउंट से साइन इन करना है जिस अकाउंट से आपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो लॉग इन किया था। तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया हूँ, तो साइन इन जो है वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी सेटअप है। आप जैसे कि देख सकते थे मेरा जो मैंने अकाउंट सेटअप किया था, तो ये मैं साइन इन कर लेता हूँ। और उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन बताएगा यहाँ पे जो है वो आपको बोलेगा अपनी वेबसाइट्स बताओ। फिलहाल हमारे पास तो कोई वेबसाइट है नहीं, तो हम क्या करेंगे साइड में ऑप्शन दिया है आई डोंट हैव अ वेबसाइट, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। एक विंडो ओपन होगा, इसको फिर से आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसको क्लोज कर देना है। तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली मेरा चैनल का यूआरएल जो है यहाँ पे सेट कर लेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जो फिर से जो है वो नेक्स्ट करना है सेव एंड कंटिन्यू करना है, और आपको जो है वो तीसरे ऑप्शन की तरफ लेके जाएगा। और तीसरे ऑप्शंस के ऊपर जो आपको थोड़ी सी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे उसको जो वो एकदम से बराबर सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीसरा विंडो आया है, और यहाँ पे आपको जो वो टाइम जोन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा इंडिया का जो टाइम जोन आता है वो है कोलकाता का, तो हमें जो वो कोलकाता का टाइम जोन यहाँ पे जो वो सेट करना है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ और कोलकाता सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। अकाउंट टाइप आपको यहाँ पे सेट करना है इंडिविजुअल या बिजनेस, तो मैंने जो फिलहाल इंडिविजुअल सेट किया हूँ। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, प्रॉपर एड्रेस डालना है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाला क्योंकि गूगल की तरफ से आपको कार्ड आएगा, वो लेटर आएगा, उसके अंदर से आपको जो है वो गूगल एडसेंस के ऊपर जो कोड डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है वो पिन कोड डाल देते हैं, सिटी को जो स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे फिर से आपको जो अपना नंबर डालना है ये वही नंबर डालना है जिस नंबर से आपने YouTube के ऊपर जो अपना अकाउंट एक्टिवेट किया था। तो यहाँ पे जो मैं फिर से अपना जो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से, नंबर डालने के बाद आपको नीचे सबमिट में एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि ईमेल्स वगैरह को आपको जो प्रेफरेंस करना बहुत जरूरी है, इस तरीके से ये आपको एरर दे देगा। तो आपको यहाँ पे राइट में नीचे जो बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, ये सारे बॉक्स को आपको टिक करना है, यस 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 करके जो वो इसको टिक करना है इस तरीके से, और फिर आपको जो सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो जैसे आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद ये क्या करेगा कि आपको जो है वो आपके यूट्यूब अकाउंट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो रिडायरेक्ट कर लेगा इस तरीके से। यहाँ पे एक ओपन पेज होगा, इसको यस करना है, और आपको जो नीचे की तरफ जो है वो उसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है रिडायरेक्टिंग यू बैक टू यूट्यूब,
अब फिर से आपको जब आपके YouTube के पेज पे लेके जाएगा और वहां पे आपको बोलेगा कि योर एडसन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड और ये रिव्यू होगा, ये एक हफ्ता लगेगा उनको रिव्यू करने के लिए। रिव्यू हो जाएगा उसके बाद आपके अकाउंट में जो है वो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ फिर आपको अपना अकाउंट नंबर वहां पे जाके जो कैसे सेटअप करना है। फिर आपको बता देता हूँ आप जैसे वीडियो मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो अपने चैनल के ऊपर जो मोनेटाइजेशन को जो है वो ऑन करना है। अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा तो आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी और आपको जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीजें मैंने बता दिया था कि एक कैसी क्या चीजें लगती है यूट्यूब के अकाउंट जो वो सेट करने के। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल मेरे सैंपल वीडियो है तो मैं वीडियो मैनेजर में जाता हूँ और उसको जो यहाँ पे नीचे की तरफ जो वो देख सकते हैं ये मोनेटाइज का टैब है, ये ग्रीन है, यानी कि मतलब मेरा वीडियो जो मोनेटाइज है और उसके ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी मुझे जो पैसा मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो मैनेजर में जाना है, इसके तरीके से सेटिंग्स में जाना है और मोनेटाइजेशन नीचे की तरफ ऑफ रहेगा उसको जो है वो ऑन करना है। तो इस तरीके से आप उसको ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद जो अपनी सेटिंग्स को नीचे की तरफ जो है वो सेव कर लेना है। तो जैसे कि आप सेव कर लेंगे तो आप जैसे कि आप अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे या वीडियो मैनेजर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो चैनल के ऊपर जो भी आप वीडियोस डाल रहे हैं वो जो वो मोनेटाइज हो गए हैं और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और आप जो उसके जरिए जो पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रीन टिक हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अब ये ग्रीन टिक तो हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी सेटअप हो गया, हमारा अकाउंट भी वेरीफाइड हो गया, तो आप जो पैसे आएंगे वो कैसे आएंगे। पैसे आना तो चालू हो गया लेकिन आपका अकाउंट अभी तक जो वो सेट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि गूगल एडसेंस में जाना है। इस तरीके से यहाँ पे लिंक ऊपर देख सकते हैं आप, मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको जाना है। तो जैसे आप चैनल ओपन करेंगे आपको बोलेंगे आपको अकाउंट नहीं वेरीफाई करने की जब भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपका रिव्यू हो जाएगा तो राइट में आपको मैं ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, आप इस तरीके से जाइएगा और अपने जो चैनल को जो वो वहाँ पे जो वो सेटअप कर लीजिएगा और अपना अकाउंट नंबर जो सेटअप कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करते ही आप जिस स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा उस हिसाब से आप जो अपने चैनल के ऊपर जो अकाउंट सेट कर सकते हैं और हर महीने आपको जो है वो आपके यूट्यूब के अकाउंट के अंदर जो पैसे आ जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मैं आपको नए वीडियोस देता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा। अगर आपको जो भी इश्यू है आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा तो आपको जो मैं हेल्प जरूर करूंगा। तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।